हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। अभी मैं हूँ राजौरी गार्डन में। मैं हूँ अभी आकाश भैया के रूम पर, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आज आकाश भैया के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि उनका रूम कैसा है, क्या वो स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, क्या टाइम टेबल है। जो भी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। जो ये एरिया है ओल्डर राजेंद्र नगर के पास है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, और आपके जो भी क्वारीज रहते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, प्रीलिम्स में अब ओनली 6 मंथ बचे हैं, जिसके लिए आपको 20 सब्जेक्ट्स प्लस 100 से ज्यादा बुक्स को कवर करना होगा। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, अनअकैडमी लेकर आया है अल्टीमेट जीएस बैचेस, जिसमें आप अपनी प्रीलिम्स की पूरी तैयारी कर सकते हो। इन बैचेस में आपको कंप्लीट जीएस सिलेबस, 500 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस एंड स्ट्रक्चर शेड्यूल, फ्री पीडीएफ्स एंड स्टडी मटेरियल, साथ ही डाउट क्लियरेंस सेशन अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर के द्वारा। एक और बड़ी अनाउंसमेंट, अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस जल्दी ही बढ़ने वाला है। अब अभी तक आपने अपना सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अभी भी देरी नहीं हुई है, यही सही टाइम है। अल्टीमेट जीएस सब्सक्रिप्शन में इनरोल होने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा एंड अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए। मेरा स्टूडेंटो कोड यूज़ करिए 10% डिस्काउंट के लिए। फिर से दोबारा से इस लिंक पर क्लिक करें जी अल्टीमेट जीएस बैचेस में इनरोल होने के लिए। दोस्तों, अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो जल्दी इनरोल करें, अल्टीमेट जीएस बैचेस में करें तैयारी जीत की। हेलो, मेरा नाम आकाशदीप है, मैं यहाँ राजौरी गार्डन में रहता हूँ, ये ओल्ड राजेंद्र नगर के पास है, और मैं पिछले 10-11 महीने से यहीं रह के अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। भैया, सबसे पहले आप अपना रूम टूर करवाइए कि आपने रूम को कैसे मेंटेन करना है। हाँ जरूर, तो सबसे पहले यहीं से करते हैं शुरुआत। ये मेरा, ये जैसे इसका पूरा स्ट्रक्चर इस जगह का है कि ये 1 BHK है, तो ये छोटा सा इसमें हॉल लॉबी है, तो इसमें 2 सोफ़ा चेयर्स लगी हुई हैं, मैं यहाँ बैठ के पढ़ लेता हूँ, लेज़र टाइम में भी बैठ जाते हैं, खाना वाना भी खा लेते हैं। ये मेरा एक छोटा सा स्टडी टेबल रखा हुआ है, और इस पर स्पेसिफिकली सिर्फ सोशियोलॉजी, जो कि मेरा ऑप्शनल है, उसकी किताबें मैंने रख रखी हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, फिर ये जो है, ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, ये सब इग्नू का नोट्स है सोशियोलॉजी का। ये नीचे यहाँ पर मैंने अपने जो खुद हाथ से लिख के जो नोट्स बना रखे हैं वो सब रखा है यहाँ पर। ये थोड़ा मेरा खाने का सामान रखा है। अच्छा, यहाँ पे ये मेरे डंबल्स हैं, मैं अपना एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ, थोड़ा दिमागी तौर पे भी और फिजिकली भी, मेंटल वेलनेस भी और फिजिकल वेलनेस भी ठीक रहता है। यहाँ पे एक फ्रीज जो मेरे को प्रोवाइड किया गया, ये मेरा फ्रीज है, इसमें मेरा खाने पीने तो बहुत सारा रख रखा है। ये भाई बस अपने घर से भैंसों का दूध आ जाता है, और ये थोड़ा सा पूजा का, जो अपने रिलीजियस बिलीफ, स्पिरिचुअल बिलीफ्स होते हैं उनके लिए। ये मेरा यहाँ पे लॉबी में कनेक्टेड किचन है, ये ओपन किचन है, यहाँ पे मेरा खाना वाना प्रिपेयर का, खाना खुद भी बना लेते हैं और कुक भी खाना बना देता है कई बार। तो आइए, यहाँ पे फिर जो लॉबी से कनेक्टेड ये मेरा वॉशरूम है। आइए, ये है मेरा जो बेडरूम और स्टडी रूम। ये मेरा टेबल है, इस पर मैंने अपनी किताबें रख रखी हैं, इसमें मेरा कुछ ज़रूरी सामान रखा रहता है। यहाँ मैंने ये जीएस वाइज अपना किताबें अपना जो रख रखी हैं, ये जो इस तरफ रखी हैं, ये मेरा GS1 का किताबें हैं, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह की किताबें हैं। यहाँ पे ये मेरा GS2 की पॉलिटी की किताबें हैं इसमें, और यहाँ GS3 की किताबें हैं, जिसमें इकोनॉमी, साइंस और EVS वगैरह की किताबें रखी हैं। आप यहाँ नीचे देखेंगे तो ये जो रखी हैं, ये मेरा टेस्ट सीरीज रखी हुई है, और इस तरफ ये सब है जो ये मेरे नोट्स हैं, ये जो मैं अपने जिस तरह, ये मैंने इंडियन ज्योग्राफी का नोट्स बना रखे हैं, ये हम देखेंगे तो ये इंडियन ज्योग्राफी के हैं, ये वर्ल्ड फिजिकल प्लस वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी है, ये हिस्ट्री का एंशिएंट इंडिया का है, ये मिडिवल और मॉडर्न इंडिया का है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स हैं। तो ये मेरा जो है हैंड रिटन नोट्स हैं, और एक ये जैसे ये इंटरनेशनल रिलेशंस की मैं अभी खरीद के लाया था, ये विजन IAS का, और ये भी हैं कुछ, ये मेरे इसमें भी हैंड रिटन नोट्स हैं, जैसे करंट अफेयर्स का है, अपने ये उठाया था ये देख लेते हैं, जैसे मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो कि इंडिया के हैं, तो उनका एक मैंने बहुत ही ब्रीफली सा बनाया हुआ है। इसमें मेरे जैसे मैं आंसर राइटिंग करता हूँ तो उसकी भी मेरी
रखी हुई हैं सीट्स आंसर राइटिंग की, और भी इसमें सब मेरा हैंड रिटन नोट्स ही हैं, जैसे ये GS2 का पॉलिटी का है, ये सब मेरा हैंड रिटन नोट्स हैं इसमें। ये मेरा जैसे अभी रिसेंटली फार्मर्स का इशू चल रहा है और मेरा बैकग्राउंड भी फार्मिंग बैकग्राउंड ही है, तो मैंने बिल्स का थोड़ा सा लिखा हुआ है, उनकी प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स लिखी हुई हैं उनकी। तो ये मेरा जो है ये स्टडी टेबल है, यहाँ बैठ के मैं पढ़ता हूँ। यहाँ थोड़ी ये जो आप किताबें देखेंगे, ये मैंने कुछ नॉवल्स लगा रखी हैं, तो ये मैं पढ़ता हूँ नॉवल्स अपने लेजर टाइम में। नॉवल्स पढ़ना मैंने भी एक नई हैबिट बनाई है अपनी। और ये आप देखेंगे तो ये मेरे चार्ट्स हैं, ये जैसे मिडिवल इंडिया का फ्लो चार्ट है हिस्ट्री का, मैं जैसे यहाँ बैठ के पढ़ता हूँ तो इसमें पूरा टाइमलाइन के हिसाब से सारी डायनेस्टीज़ का रूल दे रखा है इसमें, तो इससे मेरे को पता चलता रहता है किस रूलर ने किस टाइम पीरियड पे इंडिया पे राज किया है। और ये है जो ये इंडिया का फिजिकल मैप है, इससे मेरे को इंडिया की जो माउंटेन रेंजेज हैं वो प्लेट्यूज़ और जो नेबरिंग जो सीज हैं गल्फ्स हैं वो सब पता चलता रहता है रिवर्स का। और जो स्टिकी नोट्स हैं ये सब मैंने लगा रखा है इसलिए कि मैं जब पढ़ता हूँ तो कोई चीज़ जैसे एकदम स्पेसिफिकली कोई डेट कोई फैक्ट फिगर याद रखनी है तो मैं वो लगा देता हूँ सामने, कि डेली वो दिखती रहेगी तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी। ये सब मैंने थोड़ा थोड़ा ब्रीफली सा कुछ कुछ लिख के यहाँ पे चिपका रखा है, अपने सिलेबस रिलेटेड ही है ये। ये सोशोलॉजी का कुछ चिपका रखा है मैंने, पॉलिटी सोशोलॉजी का। ये सब जैसे ये थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट यहाँ लगा हुआ है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का लगा हुआ है यहाँ पे वर्ल्ड वॉर्स के बारे में। यहाँ पे मैंने अपना सिलेबस चिपका रखा है, ये जैसे प्रीलिम्स का सिलेबस लगा रखा है, ये मार्क्स का क्या स्कीम रहती है वो है पेपर्स की, ये मेंस का एक बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट मैंने सिलेबस चिपका रखा है GS वाइज। और इधर को ये जो हैं ये मेरे न्यूज़पेपर के नोट्स हैं जो मैं द हिंदू के नोट्स बनाता हूँ आजकल, तो मैं जैसे इससे ई पेपर से पढ़ता हूँ, तो पहले मैं जब द हिंदू लेता था अखबार तो मैं नोट्स बनाता था। तो ये जैसे GS1 के नोट्स हैं, ये GS2 के हैं, ये GS3 के मैंने GS वाइज नोट्स बना रखे हैं। और भी यहाँ पे कुछ मेरी ज़रूरत की किताबें रखी हुई हैं। अच्छा आप इधर देखेंगे तो ये है वर्ल्ड का फिजिकल मैप, तो इसमें आप जैसे अगर ध्यान से जूम करके देखेंगे तो इसमें काफ़ी कुछ मैंने मार्किंग्स कर रखी हैं। ये मार्किंग्स मैंने कर रखी हैं जो कि वर्ल्ड के जो ओशनिक करंट्स होते हैं वो सब मैंने मार्क कर रखे हैं कि किस करंट का फ्लो किस तरफ रहता है, किस मौसम में रहता है, कहाँ पे कोल्ड करंट होता है, कहाँ पे वार्म करंट होता है, जहाँ जहाँ पे अपवेलिंग जोन्स बनते हैं वो सब मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे। तो ये जैसे पैसिफिक ओशन के करंट्स मैंने मार्क कर रखे हैं इसमें, और नीचे वाले में आप देखोगे तो ये अटलांटिक के मैंने कर रखे हैं मार्क यहाँ पे करंट्स, और ये इंडियन ओशन के करंट्स मार्क कर रखे हैं मैंने। और इस पर भी स्टिकी नोट्स मैंने वही लगा रखे हैं, जैसे ये एल नीना का है, ला नीना का है, तो ये सब मैंने जो एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सब इन पे लिख के मैंने चिपका दिया। जैसे ये IOD का है, इंडियन ओशियन डाइपोल पॉजिटिव कहाँ रहता है, नेगेटिव होता है तो उसका क्या इफेक्ट रहता है, वो सब मैंने यहीं लगा रखा है। ये जैसे पैसिफिक ओशियन के करंट्स हैं उनको किस रीजन में किस नाम से जाना जाता है, तो वो सब मैंने उस एरिया पे ही वो स्टिकी नोट लगाया ताकि मेरे को ध्यान रहे। आप अगर अच्छा ये एक ये देखोगे तो मेरा थोड़ा पॉलिटी में भी इंटरेस्ट काफ़ी है, तो ये मैंने 1947 से लेके 2020 तक मैंने जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं उनका लगा रखा है। जैसे हम कोई न्यूज़ पढ़ते हैं तो जैसे कोई हिस्ट्री की न्यूज़ पढ़ रहे हैं कोई पॉलिसी वगैरह के बारे में तो एकदम ध्यान आ जाता है कि उस टाइम पे कौन सी सरकार थी किस सरकार ने किया। अच्छा एक नोट एक जैसे चार्ट है ये मैंने यहाँ एक गेट के पीछे लगाए हुए, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जो इंडिया में जितनी भी यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स हैं वो सब यहाँ पे हैं। ये तकरीबन 30 साइट्स हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, ये चार्ट मैंने लगाया हुआ है, इसको निकलते बढ़ते मैं देख लेता हूँ तो याद हो जाता है। ये मेरा बेड है, तो जैसे मैंने बताया मैं नॉवेल्स वगैरह थोड़ा पढ़ लेता हूँ आजकल। अच्छा हम इधर को देखें तो कुछ किताबें मेरी इसमें रखी हुई है अंदर, तो आप देखो यहाँ कुछ किताबें हैं, ये इसमें सोशोलॉजी की किताबें भी हैं और GS की किताबें भी हैं, और अभी पिछले वीक मैंने बहुत सारी किताबें यहाँ से उठा के अपने घर भिजवाई हैं, तो बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया था, तो मटेरियल जितना कम रहे उतना ही ठीक रहता है, उतनी अच्छी पढ़ाई भी होती है। ये एक जैसे एक सोफ़ा यहाँ लगा हुआ है तो इस पर बैठ के TV वगैरह देखनी हो तो TV देख लेते हैं, राज्यसभा TV स्पेसिफिकली, और ये शाफ्ट का एरिया है ही पीछे, और ये जैसे मेरे न्यूज़पेपर्स हैं रखे हैं यहाँ पे, ये जैसे न्यूज़पेपर द हिंदू मेरा आता है तो मैं यहाँ रख लेता हूँ,
जैसे कई न्यूज़पेपर जैसे नहीं पढ़े जा रहे तो वो ऐसे कैसे ही रखे हुए हैं, तो इसी वजह से ई पेपर फिर मैंने किया है कि ई पेपर से ठीक पढ़ा जाता है। सो भैया, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका? मेरा नाम आकाशदीप दलाल है जी। मैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की है जी। और बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ झज्जर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। ओके। मेरे गांव का नाम है रेवाड़ी खेड़ा जी। ओके, कितने टाइम से आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? मैं लगभग 1.5 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ यूपीएससी के लिए जी। हाँ जी। ओके, आपने ये अटेम्प्ट दिया था अभी जो हुआ था? हाँ, ये अटेम्प्ट मैंने दिया था जस्ट टू चेक। ओके, जस्ट टू चेक। हाँ, तो आपने स्टडी नहीं की थी? मैंने कोई ऐसी खास कोई स्टडी नहीं कर रखी थी, तैयारी नहीं थी इसके एग्ज़ाम की मेरी जी। तो मैंने एक उसका स्ट्रक्चर देखने के लिए एग्ज़ाम का, वो इसलिए पेपर में मैं अपीयर हुआ था। ओके। सो भैया, आप क्या टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए? देखो, मेरा डेली जो टाइम टेबल रहता है, मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ सुबह 4 बजे से जी। मैं पिछले एक डेढ़ महीने से ही मैं सुबह जल्दी उठने की मैंने करी है ये शुरुआत। मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ और थोड़ा बहुत ही हल्की चाय वाय पी के मैं पहला जो मेरा स्लॉट रहता है, मैं 4 से 8 बजे का स्लॉट रखता हूँ अपना 4 घंटे का जी। मतलब मेरा रूममेट जब उठता है तो मैं अपना 4 घंटे पढ़ चुका होता हूँ तब तक। हाँ, और फिर उसके बाद 8 बजे जब वो मेरा रूममेट भी उठ जाता है, फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं इकट्ठे जी। मतलब 1 घंटा मान के चलो आप, 1 घंटा बीत जाता है उस चीज़ में। फिर 9 बजे से 12 बजे तक मैं 3 घंटे और पढ़ता हूँ दूसरा जो मेरा स्लॉट रहता है जी। फिर उसके बाद 12 से 3 बजे तक मैं नहीं पढ़ता, उस बीच में लंच करता हूँ मैं, और छोटा मोटा जैसे वीडियोस वगैरह का 1-2 काम होता है वो सब कर लेता हूँ मैं। फिर 3 बजे मैं दोबारा पढ़ने बैठता हूँ, 3 से लेकर 6 बजे तक मैं फिर पढ़ता हूँ जी। और फिर उसके बाद मेरे तकरीबन 10 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं 6 बजे तक। फिर उसके बाद 6 के बाद मैं अपना थोड़ा लेज़र टाइम रखता हूँ, फिर सो मैं, मेरी सोने का है लगभग मैक्सिमम मैं 11 बजे सो जाता हूँ। फिर 11 से पहले मैं डिनर विनर करता हूँ और थोड़े बहुत लेजर टाइम में मैं कुछ वीडियोस देख लेता हूँ, करंट अफेयर की वीडियोस होती हैं जैसे जी। वो सब देख लेता हूँ। ओके। भैया, क्या स्ट्रेटजी रही है आपकी प्रिपरेशन करने के लिए? देखो, मेरी 2021 के लिए जो मेरी स्ट्रेटजी है वो है कि मैं पहले अपना जो स्टैटिक पोर्शन है मैं उसको कंप्लीट कर रहा हूँ, साथ में जो करंट अफेयर एक तरीके से कंपाइल्ड फॉर्म में मैं कर रहा हूँ, अपना जो स्ट्रेटजी है मेरी कंपाइल्ड फॉर्म में मैं अपना सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। ओके, आप द हिंदू न्यूज़पेपर वगैरह किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं? न्यूज़पेपर मैं ई न्यूज़पेपर के जरिए पढ़ता हूँ, मैं लैपटॉप में पढ़ता हूँ, फिर लैपटॉप में उसका हाईलाइट करके उसकी करंट अफेयर्स वगैरह का जो नोट्स होते हैं मैं वहीं पे मेंटेन कर लेता हूँ लैपटॉप में। और फिर उसके बाद ये जो जैसे विजन्स की जो बुकलेट्स आती हैं जी, ये 365, ओके। हाँ, ये सब मैं पढ़ लेता हूँ जी। इनसे जैसे मान लो कुछ न्यूज़पेपर में कई बार न्यूज़पेपर मिस भी हो जाता है, घर जाते हैं और भी 1-2 काम कोई हो जाता है, किसी दिन मिस हो जाता है न्यूज़पेपर, तो आखिरी में महीने के आखिरी में उनकी जो मंथली आती है वो भी मैं पढ़ लेता हूँ, जिससे थोड़ा बहुत जो बच गया वो कवर हो जाता है। ओके। हाँ, सो भैया, आपका मंथली बजट कितना पड़ जाता है यहाँ पे? मंथली बजट देखो, हम 2 बंदे रहते हैं यहाँ पे, मैं, मेरा रूममेट, तो इसका जो ये जगह का जो रेंट है वो 15,000 रुपये रेंट देते हैं। फिर रेंट वगैरह डिवाइड होने के बाद, शेयर डिवाइड होने के बाद टोटल खर्चा ये 11,000-1,000 रुपये के करीब आ जाता है, खाना वाना मिला के। ओके। अच्छा भैया, कोई जो स्टूडेंट्स दिल्ली में आके प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए आपका कोई सजेशन वगैरह रहेगा? देखो, अगर मैं इसके लिए सजेशन मेरा ये है, अगर किसी के पास साधन है घर पे रह के पढ़ने का, या दिल्ली से बाहर किसी और शहर में उनके पास साधन है पढ़ने का, साधन बोले तो उनके पास मटेरियल है, बुक्स मटेरियल है। अच्छा, दूसरी बात, पहले क्या होता था कि वहाँ किताबें नहीं मिल पाती थी, जैसे राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में किताबें हैं, वो वहाँ अवेलेबल है नहीं मटेरियल, लेकिन अब तो राजेंद्र नगर वाले ही बाई पोस्ट भेज देते हैं किताबें, चाहे ऑल ओवर इंडिया कहीं मंगा लो। तो दिल्ली से तो बाहर अगर आप रह के पढ़ रहे हो तो वो ठीक मानता हूँ मैं जी। दिल्ली में तो अगर आपकी कोई मजबूरी है कि कोचिंग लेनी है, फिलहाल तो कोचिंग्स भी बंद है जी। मैं क्या, मार्च अप्रैल तक तो कोचिंग्स खुलेंगी भी नहीं अगले साल 2021 तक, तो यहाँ आने का कोई ऐसा औचित्य तो है नहीं जी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करें। और आपकी जो भी क्वेरीज रहती हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उसको भी ज्वाइन कर लेना। और साथ में अगर आप पीजी रूम्स फ्लैट्स वगैरह लेना चाहते हो दिल्ली में आकर, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना। साथ में उन्होंने इंस्टाग्राम पर पेज भी बना रखा है, तो आप उनके जाकर पोस्ट भी चेक कर सकते हो। जय हिंद।